बड़ी खबर धनबाद से। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल एसीबी कार्यालय पहुंचे हैं। एसीबी डीएसपी नितिन खंडेलवार कर रहे हैं मेयर से पूछताछ। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, आय से अधिक संपत्ति और 200 करोड़ रुपए के प्राकलन घोटाले का ये आरोप है और इसी में ये पूछताछ हो रही है। एसीबी ने चंद्रशेखर अग्रवाल को इसके लिए नोटिस भेजा था और नोटिस के जवाब में चंद्रशेखर अग्रवाल पहुंचे हैं एसीबी कार्यालय। 2019 में प्राकलन घोटाले को लेकर एसीबी ने नगर निगम कार्यालय में छापेमारी की थी और इसमें कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई थी, दस्तावेजों में हेरफेर पाया गया था और इसी मामले को लेकर ये पूछताछ होने जा रही है और इसके लिए पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पहुंच चुके हैं एसीबी कार्यालय और इनसे पूछताछ हो रही। धनबाद से एक बहुत बड़ी खबर है ये, डीएसपी नितिन खंडेलवाल उनसे उस अनियमितता और उस गड़बड़ियों से जुड़ी हुई पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर बता दें आपको कि नगर निगम में छापा मारा गया था कार्यालय में तो कई गड़बड़ियां पाई गई थी और इसी में उस दौरान मेयर थे वहां पर चंद्रशेखर अग्रवाल, तो निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है चीजों को देखने की, जवाबदेही बनती है अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो। और इसी मामले में एसीबी आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उन पर चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उनसे जुड़ा हुआ है और प्राकलन घोटाला भी हुआ है। इन दोनों मामलों को लेकर यहां पर उनसे पूछताछ हो रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद से, एसीबी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं नितिन अग्रवाल, पूछताछ कर रहे हैं चंद्रशेखर अग्रवाल से। और दिलीप इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, सबसे पहले तो पूरा मामला जानना चाहेंगे और फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर, क्या पूछताछ लंबी चल रही है? देखिए अभी भी पूछताछ चल रही है और जो डीएसपी है एसीबी के नितिन खंडेलवाल उनसे भी बातचीत हुई है, बोले पहले पूछताछ कर लेंगे उसके बाद पूरे मामले की विस्तृत जानकारी वो मीडिया से दे। लेकिन ये पूरा मामला 2019 का है जब झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने थे तो उनका बयान आया था कि जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ उनका अभियान चलेगा और उस अभियान के तहत नगर निगम कार्यालय में पहली बार रांची से एसीबी की टीम पहुंची थी 2019 में और छापामारी की थी और छापामारी के बाद कई दस्तावेज अपने साथ जब्त की थी जिसमें ये आरोप लगाए गए थे नगर निगम कार्यालय पे कि जो प्राकलन बनाए गए थे 14वें वित्त आयोग ने जो राशि निर्गत की थी उसमें जो कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया था उसमें कमीशनखोरी का आरोप लगा था और जिसमें चंद्रशेखर अग्रवाल समेत कई अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि उसकी लंबी जांच चली और कुछ पिछले सप्ताह ही एसीबी ने इस पूरे मामले में मेयर को आरोपी बनाते हुए एक पत्र लिखा था, नोटिस जारी किया था कि इस मामले में आप अपना जवाब दें, क्यों ना आपके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का जो मामला बन रहा है इसमें आरोपी बनाया गया है, आपके ऊपर जो प्राकलन राशि में जो कमीशनखोरी का आरोप लगा है वो आरोप आप पे लग रहा है, इस मामले को लेकर के उन्हें अपनी बात रखने के लिए नोटिस किया गया था और आज 7 दिनों का समय दिया गया था। आज चंद्रशेखर अग्रवाल अपनी बात को रखने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने पत्र में क्या क्या बातों का जिक्र किया, अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने क्या क्या बातें कही है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया और ये जब तक पूछताछ नहीं होगा और जब तक एसीबी के जो अधिकारी है वो अगर मीडिया के संबोधित नहीं करेंगे तब तक कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बड़ी बड़ी खबर ये है कि अब मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जो पूर्व मेयर नगर निगम के थे उनकी गर्दन अब फंसती जा रही है क्योंकि नगर निगम में कई बार घोटाले के आरोप लगे थे, घपले के आरोप लगे थे। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ प्राकलन घोटाला इसका मतलब जो डीपीआर तैयार होता है विभिन्न योजनाओं के लिए वो बढ़ा के राशि की जाती, कुछ ऐसा ही मामला है क्या ये? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, डीपीआर जो बनाए जाते हैं जिसमें नगर निगम जो हैदराबाद की कंपनी है या फिर कोलकाता की कंपनी है उनको कंसल्टेंट के तौर पे नियुक्त करती थी और उनसे डीपीआर बनाई जाती थी। ये पूरा मामला 200 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाने के नाम पे कमीशन खोरी का आरोप इनके ऊपर लगा है। ये 200 करोड़ में कोई योजना मतलब शुरू नहीं हुई है, बस ये प्राकलन के लिए हुई है? हाँ बिल्कुल, प्राकलन के हुई थी और इसमें कई सड़कों का चयन किया गया था, इंटीग्रेटेड सड़कें बनाना था, सड़क के किनारे लाइट्स लगाने थे, सोलर प्लांट्स, कई योजनाओं का को लेकर के प्राकलन तैयार किया जा रहा था और जिस कंसल्टेंसी को नियुक्त किया गया था इस डीपीआर के लिए तो उसमें 200 करोड़ रुपए की योजना बनी थी, उसमें कमीशन खोरी का आरोप इनके ऊपर लगा है और जिस आरोप को लेकर के अपनी बात को रखने के लिए आए हुए और कह सकते हैं कि अब इनकी गर्दन फंसती जा रही है क्योंकि पहले जब आरोप लगते थे ये कहते थे कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई घोटाला नहीं है, इस तरह की कार्रवाई दुर्भावना। बिल्कुल दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 200 करोड़ कंसल्टेंसी में दिए जाते हैं और उसमें कमीशन भी लिया जाता है, 200 करोड़ में बहुत कोई बड़ी योजना इंप्लीमेंट हो सकती थी लेकिन सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए 200 करोड़ आप खर्च कर देते हैं और उसमें भी कमीशनबाजी होती है, तो ये इसी का मामला है और इसी में ये पूछताछ हो रही है। फिलहाल क्या कुछ निकल कर आता है वो हमारे सहयोगी दिलीप भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।